हेलो एवरीवन, मैं पवन जांगिड स्वागत करता हूं आप सभी का 12th प्लस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशल केसेस फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी विशिष्ट समाकल के लिए विशेष स्थितियां क्या रहेगी उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो देखिए, हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन ये होती है। देखिए, एफ ऑफ डी यहाँ पर होता है वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे जब क्यू ऑफ एक्स स्पेशल केसेस में अलग अलग क्या रहेगा उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे मैं इसको लिख देता हूं, एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। ये तो हो गया ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब पी आई के फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं इसको, यहां पर पी आई क्या होगा, ये हो जाएगा वन अपॉन एफ ऑफ डी और यहां पर है हमारे पास क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखिए हम Q ऑफ x के लिए यहाँ पे स्पेशल केस लेंगे। तो देखिए, जब हमारे पास क्या क्या रहेगा, देखिए यहाँ से Q ऑफ x की बात कर लेते हैं, तो स्पेशल केस में फर्स्ट ले लेते हैं जब Q ऑफ x क्या रहेगा, ये रहेगा e की पावर ए एक्स। ठीक है, बात करें सेकंड की, तो देखिए यहाँ पर हम पांच केस डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर Q ऑफ x क्या रहेगा, सेकंड केस में हम देखेंगे जब Q ऑफ x की जगह रहेगा साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स। ठीक है, थर्ड है हमारे पास क्यू ऑफ एक्स की जगह एक्स की पावर एम। फोर्थ केस में हम डिस्कस करेंगे जब क्यू ऑफ एक्स की जगह क्या रहेगा, ई की पावर ए एक्स और साथ में होगा वी। अब यहां पर ये वी क्या है, वी हमारे पास कोई एक्स का फंक्शन होगा, यानी एक्स का कोई फलन होगा। नेक्स्ट फिफ्थ में देखिए, हमारे पास क्यू ऑफ एक्स यहां पर रहेगा हमारे पास एक्स की पावर एम और साथ में रहेगा v। ठीक है, v वापस से हमें x का कोई फंक्शन होगा। तो देखिए, ये रहेंगे हमारे पास स्पेशल केसेस फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जब q ऑफ x की जगह e की पावर ax होगा, तब उसका pi क्या होगा उसको डिस्कस करेंगे। फिर sin ax और cos ax रहेगा, तो उसके लिए pi क्या होगा, x की पावर m। जब q ऑफ x की जगह आएगा, तब उसके लिए pi क्या होगा। ठीक है, जब e की पावर ax और साथ में v होगा, तब उसके लिए pi क्या होगा, x की पावर m के साथ v होगा, तब उसके लिए पी आई इसमें क्या आएगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट वाला केस, यानी जब क्यू ऑफ एक्स की जगह क्या होगा, ई की पावर ए एक्स। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो देखिए यहां पर क्या है, पी आई वन अपॉन एफ ऑफ डी क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम फर्स्ट केस में क्या ले रहे हैं, टाइप फर्स्ट, यहां पे मैं लिख देता हूं टाइप फर्स्ट। अब हम यहां पर ले रहे हैं वन अपॉन एफ ऑफ डी, यहां पर क्या है, सबसे पहले केस में ई की पावर ए एक्स। अब देखिए यहां पर भी इस फर्स्ट टाइप के लिए हम दो केस डिस्कस करेंगे, जब डी की जगह हम ए पुट करेंगे तब या तो जीरो बन जाए या नॉट इक्वल टू जीरो रहेंगे। तो देखिए पहला केस यहां पर क्या होगा, पहला केस देखते हैं अपन, जब मैं एफ ऑफ ए पुट करूं तो वो आए नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ए कहाँ पुट करोगे, आप डी की जगह। तो देखिए यहाँ पे इसको कैसे लिखूंगा, वन अपॉन एफ ऑफ डी और यहाँ पर क्या है ई की पावर ए एक्स और इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए केस क्या है, जब आप एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, कैसे होगा, जब आप एफ ऑफ यानी ये जो डी है, यहाँ पर कोई भी डी का फंक्शन होगा, जब आप डी की जगह ए पुट करोगे और नॉट इक्वल टू जीरो आए। ठीक है, इस फंक्शन के लिए नॉट इक्वल टू जीरो आए, तब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तब आपको क्या करना है, जो भी जहां पर भी d है उसकी जगह हमें यहाँ पे e की पावर में जो ये a है, ठीक है, इस a को हमें d की जगह पुट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, f ऑफ a और ये e की पावर में ए एक्स लिया जाएगा एज इट इज। तो देखिए यहाँ पर ये केस क्या है, वन अपॉन एफ ऑफ डी ई की पावर ए एक्स है, तो इसका पी आई क्या हो जाएगा, वन अपॉन एफ ऑफ ए ई की पावर ए एक्स, यानी d की जगह हमें a पुट करना है, तो हमें इसका क्या मिल जाएगा, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल जाएगा। और इसमें कंडीशन क्या रहेगी, जब एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सेकंड केस में हमारे पास क्या है, देखिए जब हम एफ ऑफ ए पुट करें और वो आ जाए जीरो के बराबर, तो उस केस में हमारे पास क्या स्थिति रहेगी। तो देखिए यहां से वन अपॉन, देखिए यहां पर क्या रहेगा, यहां पर हमारे पास आएगा डी माइनस ए की पावर आर और यहां पर क्या है ई की पावर ए एक्स इक्वल टू। देखिए यहाँ पर क्या केस बनेगा, जब आप a यहाँ पे मैंने जैसे ही पुट किया, देखिए a माइनस ए क्या बन जाएगा, जीरो बन गया, तब उस केस में, ठीक है, जब f ऑफ a रखते ही आपके जीरो बन जाए, उस केस में इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला हमें क्या लिखना है, x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल
और यहां पर आ जाएगा वापस e की पावर ए एक्स एज इट इज। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। देखिए आप r कहां से लोगे, d माइनस ए की पावर में यहां पे क्या लिखा है r। ठीक है, यहां पे जो भी पावर हो उसको हमें r की जगह यूज करना है, और नीचे भी क्या है r फैक्टोरियल, और वापस e की पावर ए एक्स क्या आ जाएगा यहां पर सेम आ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास पी आई जब 1 अपॉन एफ ऑफ डी क्यू एक्स की जगह e की पावर ए एक्स हो। उसमें भी पहला केस जब एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो आए तब उसका सॉल्यूशन क्या होगा, 1 अपॉन एफ ऑफ ए ई की पावर ए एक्स, और जब एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो आ जाए तब हमें इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए जब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो आ रहा है तब हमारे पास कुछ इस प्रकार के यहाँ पे फैक्टर रहेंगे, यानी डी माइनस ए की पावर में आर ई की पावर ए एक्स इज इक्वल टू, देखिए जब ये केस रहेगा तब हमें क्या सा फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ से एक्स की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल और ई की पावर ए एक्स, ये आ जाएगा एज इट इज। और आर कहाँ से लोगे, ये डी माइनस ए की पावर में जो भी रहेगा वो आप आर यहाँ पे यूज करोगे। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास टाइप फर्स्ट और इसके दो केस। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल है हमारे पास ये वाला, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस फाइव डी वाई बाई डी एक्स प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर थ्री एक्स। अब ई की पावर थ्री एक्स यहाँ पे क्या है, क्यू ऑफ एक्स है। अब देखिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्यूशन करने का वही स्टेप रहेंगे, सबसे पहले इसमें क्या निकालना है इसका, इसको डी के फॉर्म में लिखना है, कैपिटल डी के फॉर्म में, फिर उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है, फिर उसके बाद उसके जो भी रूट निकलेंगे एम के, एम की वैल्यू निकालने के बाद हमें क्या निकलना है उसका सी एफ, सी एफ लिखने के बाद हमें उसका पी आई निकालना है। तो पहले अपन सी एफ निकाल देते हैं, तो यहाँ से इसको मैंने लिखा कैपिटल डी के फॉर्म में, डी स्क्वायर माइनस फाइव डी प्लस सिक्स ये ब्रैकेट, और बाहर क्या आएगा हमारे पास वाई, और सामने q ऑफ x आता है, यानी यहाँ पे क्या है e की पावर 3x। ठीक है, इस फॉर्म में लिख दिया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी सहायक समीकरण हमें निकालनी है। तो देखिए सहायक समीकरण क्या हो जाएगी, हमें d की जगह क्या लिखना है m, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार रहेगी ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी सहायक समीकरण। अब इसके हमें मूल निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो देखिए इसके टुकड़े करें, तो यहाँ से एम स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का 3m माइनस का 2m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टर निकालने, फैक्टर निकाल के इसके रूट निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ से इसको किस प्रकार तोड़ा, तो माइनस 5 है तो जोड़ने पर तो वापस माइनस का 5 आ जाए, और इन दोनों माइनस 3 माइनस 2 का गुणा करने पर वापस क्या आ जाएगा प्लस का 6 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से इन दोनों में से मैं m कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से m कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा m माइनस 3, यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ माइनस का 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं अपन m माइनस 3, तो मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया m माइनस 3, यहाँ पे क्या बचेगा m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इसके रूट क्या आ जाएंगे, यहाँ से इसके रूट आ जाएंगे m, देखिए यहाँ से क्या वैल्यू आई 2, और यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 3, तो ये आ गए हमारे पास इसके रूट। ठीक है, अब हमें इसका सी एफ लिखना है, तो देखिए सी एफ लिख देते हैं पहले यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे लिखने वाला हूँ मैं सी एफ। तो सी एफ कैसे लिखेंगे, सी वन ई की पावर में रूट क्या है पहला 2x प्लस सी टू ई की पावर में दूसरा रूट क्या है 3x। तो ये तो हो गया इसका सिंपल सा सी एफ यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूरक फलन। अब हमें निकालना है इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो देखिए यहाँ से निकालेंगे हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये क्या है, तो पहले फॉर्म क्या होता है पी आई का, पी आई निकालने के लिए देखिए इसका फॉर्म होता है हमारे पास 1 अपॉन एफ ऑफ डी, एफ ऑफ डी की जगह ये कंप्लीट फंक्शन आ जाएगा, क्या है डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6। ठीक है, और यहां पर है हमारे पास e की पावर में 3x। अब इसमें चेंज करने के बाद हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं इस फैक्टर में, ठीक है, ताकि स्पेशल केस में हमें पता चल जाएगा जीरो कहां है और नॉट इक्वल टू जीरो और इक्वल टू जीरो कहां है। तो देखिए यहां से इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन ये हो जाएगा यहां पे d माइनस 3, यहां पर है d माइनस 2 और यहां पर क्या है e की पावर 3x। ठीक है, अब ये जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फैक्टर में लिख सकते हैं। अब देखिए अब हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कि जो दोनों केस हमने यहाँ पे लिखे थे फर्स्ट टाइप के लिए, देखिए यहाँ से ये जो दोनों केस है जब एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो और एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो, तो देखिए यहाँ पर इन दोनों फैक्टर में ध्यान से देखिए, ये वाला केस तो है फर्स्ट केस जहाँ पर एफ ऑफ ए आप पुट करोगे और नॉट इक्वल टू जीरो आए। तो देखिए यहाँ पर ए क्या है, ये है 3, ठीक है, e की पावर ए एक्स यानी x का कोफिशियंट क्या होता है यहाँ पर a, तो देखिए x का कोफिशियंट यहाँ पे क्या है 3, तो मैं d की जगह क्या पुट करूंगा 3। तो देखिए
अब देखिए यहाँ पर तो हम 3 पुट करेंगे नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा 0। तो देखिए जहाँ पर 0 बन रहा है उसको तो पहले एज इट इज रहने दे और केस फर्स्ट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से तो मैंने ये जो जहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो उसको पहले सॉल्व कर लें, तो 1 upon d-3 मैंने एज इट इज रख दिया और यहाँ पर d की जगह a पुट कर दें तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3-2 और यहाँ पर क्या है e की पावर में 3x। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब देखिए ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल, इसमें क्या बचेगा 1 upon d-3 आ गया और 3-2 1 होता, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर 3x। ठीक है, 1 को यहाँ पे नहीं लिखा। अब देखिए 1 upon d-3 e की पावर में क्या है यहाँ पे 3x। ठीक है, अब देखिए देखिए ये इसको अगर लिखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं आएगा ये किस। अब देखिए यहाँ से 1 upon d-3 है, अब कौन सा केस डिस्कस करेंगे, जब अब मैं अगर d की जगह ये 3 पुट करूँ तो ये क्या रहा है सेकंड वाला केस, जब 0 हो रहा है। तो देखिए इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, तो फॉर्मूला हमने यहाँ पे सेकंड केस में क्या लिखा था, वो था हमारे पास 1 upon d-a की पावर r, यहाँ पर है a की पावर ax। अब यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा x की पावर r upon r factorial और यहाँ पर क्या आ जाएगा e की पावर ax। ठीक है, ये सेकंड वाला केस है जब f(a) = 0 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर पुट कर दें, सबसे पहले क्या रहा x की पावर में r, देखिए यहाँ से इसकी पावर क्या है ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर इसकी पावर है 1, तो x की पावर 1 upon फिर r फैक्टोरियल यानी 1 factorial जो कि 1 के बराबर है और e की पावर में यहाँ पर है 3x। तो देखिए ये क्या बन जाएगा x की पावर 1 यानी x और e की पावर यहाँ पे आ जाएगा 3x और 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, तो यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे तो वापस यही आएगा। तो ये होगा इसका फाइनल PI यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो यहाँ पे इसी एग्जांपल में हमारे पास दोनों केस यहाँ पे सॉल्व हो गए। तो पहला केस जब f of a इज नॉट इक्वल टू 0 d-2 के लिए, और d-3 के लिए कौन सा केस है सेकंड केस जहाँ पर f(a) इज इक्वल टू 0 आ रहा है, उसके लिए हमने यूज़ कर लिया ये वाला फॉर्मूला जो कि है x की पावर r upon r factorial और e की पावर ax, ये आ जाएगा वापस एज इट इज़। ठीक है, तो ये आ गया इसका PI। अब इसका फाइनल जनरल सॉल्यूशन लिख देते हैं जो कि क्या होता है, देखिए जनरल सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास y इज इक्वल टू cf प्लस pi। तो PI हमारे पास क्या आया था, पहले लिख देते हैं cf y इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा c1 e की पावर में 2x प्लस c2 e की पावर में 3x और PI यहाँ पर क्या आया, ये आया हमारे पास x e की पावर में 3x। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये था हमारे पास एग्जांपल, इसको एक बार वापस देख लेते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले गिवन इक्वेशन को कैपिटल डी वाले फॉर्म में इसको चेंज किया, फिर इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली, इसका रूट निकाला, रूट निकालने के बाद इसका CF लिखा, फिर PI निकालने के लिए देखिए पहला टाइप है तो यहाँ पे इसमें इसके फैक्टर के फॉर्म में लिखना होगा ताकि हम देख सकें f(a) ≠ 0 है या f(a) = 0 है। ठीक है, तो पहला केस यानी नॉट इक्वल टू 0 वाले के लिए पहले सॉल्व कर दें, बाकी वालों को एज इट इज रखें। तो पहले वाला सॉल्व कर दिया, अब यहाँ पर ये सेकंड केस के लिए फॉर्मूला यूज़ करना है, फॉर्मूला यूज़ किया, हमारे पास फाइनल इसका PI आ गया। ठीक है, और फाइनल PI आने के बाद y = क्या होता है cf + pi, दोनों को जोड़कर हमने यहाँ पे इसमें साथ में लिख दिया। ठीक है, ठीक, तो देखिए ये था हमारे पास आज का वीडियो जिसके अंदर हमने डिस्कस किया फर्स्ट टाइप, और फर्स्ट टाइप में q(x) की जगह हमने क्या पुट किया e की पावर ax। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जहां पर q(x) की जगह क्या होगा sin ax या cos ax। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।